हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। डिटरमिनेंट का नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व दीज थ्री न्यूमेरिकल्स। काफ़ी चीज़ें डिटरमिनेंट्स की प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तीनों क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हम करेंगे, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई थी, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। और तीनों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों। वन बाय वन तीनों का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इफ़ एक्स वाई जेड आर ऑल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, तीनों अलग अलग हैं, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, शो दैट एक्स वाई जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में लगाता हूँ इसमें, आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूँ, और आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन, थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूँ। फर्स्ट रो ऐसे रहेगी एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों किया, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ये वाई माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे इसको माइनस करेंगे तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये हो जाएगा। ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, इससे इसको माइनस कर रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो। एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ऐसे ही जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे वन प्लस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे यहाँ भी जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स ये हो जाएगा। अब आप देखिए जो सेकंड रो है इसमें वाई माइनस एक्स तीनों में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो में जेड माइनस एक्स तीनों में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ वन बचेगा यहाँ वन, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, वन प्लस एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। आगे देखिए, इस आर थ्री से इस आर टू को माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस करेंगे, ताकि ये जो वन है ये जीरो बन जाए। आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर टू, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब वन, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जीरो, जेड माइनस वाई बच जाएगा यहाँ पे, इससे इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको माइनस करने पे एक आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। आप इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ जेड कॉमन आ रहा है, सॉरी एक्स कॉमन आ रहा है तो जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स। तो इसको माइनस करके सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली अब मैं लिख दे रहा हूँ, जेड माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखिए थर्ड रो में कुछ कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में आप देखिए जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, x वन जीरो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स यहाँ वन हो जाएगा, वन प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। इसको r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं हम, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1, कैसे एक्सपेंड करना है सब चीज़ें आपको बता रखी है, प्लस में माइनस में, प्लस में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, x के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा इसका, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर वाई जेड प्लस एक्स जेड, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको और इसको छोड़ देंगे, वन का इससे मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये तो जीरो बन जाएगा, प्लस वन प्लस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में वन प्लस एक्स क्यूब, इसको इसको छोड़ देंगे, ये वन आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो इतना ही एक्सपेंशन आपको मिलेगा। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स वाई कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और जो टर्म्स बचे हैं उनको हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करना है। y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वन प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। अब आपको कंडीशन जो दी है उसका यूज़ करना है, सिंस एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। देखो चार टर्म्स है, चार टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो या तो y माइनस एक्स जीरो होगा, y माइनस एक्स जीरो होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, और y इक्वल टू x क्या पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि x, y, z तीनों अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। जब इसको जीरो रखेंगे तो z इक्वल्स टू x आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, और z इक्वल्स टू y आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक की ही रहती है यहाँ पे, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि लास्ट वाला टर्म ही जीरो होना चाहिए, यानी कि वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आप देखिए ये हमारा टारगेट था जो हमको शो करना था। तो ये बात हो गई पहले क्वेश्चन की, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद आपको जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में जो इसमें लगा रहा हूँ वो देखिए, आर वन इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर वन जो है वो तीनों सेम बन जाएंगी। देखिए अब इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, माइनस एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा टू, तो थ्री एक्स माइनस टू, ये भी सेम वही बनेगा थ्री एक्स माइनस टू, और ये भी वही बनेगा थ्री एक्स माइनस टू। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, थ्री थ्री एक्स माइनस एट, थ्री 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 एक्स माइनस एट। आपने आर वन में लगाई, आप चाहे तो आर टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर सही मिलेगा। आर थ्री में आप ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, थ्री एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया, वन वन वन, थ्री 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 एक्स माइनस एट, थ्री 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 एक्स माइनस एट। अब क्या करते हैं, सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, सी थ्री इक्वल्स टू सी थ्री माइनस सी वन। इससे इसको माइनस करेंगे ये जीरो बन जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे ये जीरो बन जाएगा, तो थ्री एक्स माइनस टू, वन थ्री थ्री, वन माइनस वन जीरो, थ्री एक्स माइनस इलेवन हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, और ये थ्री एक्स माइनस इलेवन हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, आर वन के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। एक्सपेंशन भी काफ़ी आसान हो गया क्योंकि एक्सपेंशन में ये थ्री एक्स माइनस टू, वन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन के रिस्पेक्ट में ये और ये छूट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, यानी कि थ्री एक्स माइनस इलेवन का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब जीरो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद अंदर कुछ भी आए बाहर से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और तीसरा भी जीरो आ जाएगा इक्वल्स टू क्या है जीरो है, तो थ्री एक्स माइनस टू और थ्री एक्स माइनस इलेवन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस इलेवन, थ्री एक्स माइनस इलेवन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगे, टू बाई थ्री एक यहाँ से, इलेवन बाई थ्री यहाँ से, और इलेवन बाई थ्री थर्ड वाले से। आप देखिए कितना ईजी हो जाता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाते तो इसको एक्सपेंड डायरेक्टली करते तो क्यूबिक इक्वेशन बनती, फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको नाइन्थ वाले मेथड यूज़ करनी पड़ती, काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन बन जाता। इससे बड़े इजीली हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सी वाले टर्म्स आ रहे हैं इसमें। सी वाले टर्म्स का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, उसकी हेल्प से इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, इस सॉल्यूशन से पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, NCR माइनस वन इज इक्वल टू होता है N प्लस वन CR। आई होप आपने ये फॉर्मूला 11th क्लास में कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आपने पढ़े होंगे। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले देखिए, 1 1 1 NC1 NC2 N प्लस वन C1, ये N प्लस वन C1 है, तो N प्लस वन C1 अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा? R की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा NC1 और NC1 माइनस वन 0। ये प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या बनेगा? N प्लस वन C2। इस प्रॉपर्टी से N प्लस वन C1 और N प्लस वन C0, ये हो गया N प्लस वन C2। क्या बन जाएगा? NC1 और NC2 और NC1, N प्लस वन C2, सॉरी N प्लस टू C2, N प्लस वन C, या क्योंकि यहाँ पे सारे फॉर्मूले में एक साथ लगा दे रहा हूँ तो आई होप आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। एक ही करके इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 1 NC1 NC2, 1 N प्लस वन C1, N प्लस वन C2, 1। इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ पहले मैं, क्या बनेगा ये? N प्लस वन C1 और N प्लस वन C0। और ऐसे अगर मैं दूसरे वाले टर्म में फॉर्मूला लगाऊं, जो लास्ट टर्म है इसका, क्या बनेगा इस फॉर्मूले से? यहाँ N जो है एक कम हो जा रहा है और R एक यहाँ पे आ रहा है और इससे एक कम यहाँ पे आ रहा है, तो N प्लस वन C2 और N प्लस वन C1, ये हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस कर लेते हैं, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2। माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है, NC1 NC2 1 माइनस वन 0। इससे इसको C3 में हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो C2 तो ऐसे रहेगी, 1 माइनस वन 0। इससे इसको माइनस करेंगे तो N प्लस वन C0 और इससे इसको माइनस करेंगे तो N प्लस वन C1। देखिए 11th क्लास की प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने उसको माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद अगर मैं NC0 का फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ तो NC0 आपने पढ़ा होगा कितना होता है? NC0 आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, NC0 की वैल्यू N होती थी। और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, 1 NC1 NC2, 1 N प्लस वन C1 का फॉर्मूला, यहाँ से NC1 और NC0, ये हो जाएगा NC2 और NC1, 0, NC0 की वैल्यू N होती है तो NC0 अगर हम निकालें तो होता है N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 0 फैक्टोरियल, तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। N प्लस वन C0 1 हो गया और N प्लस वन C1 होता है N प्लस वन। कहने का मतलब यह है कि NC1 की वैल्यू N होती है। ये फॉर्मूले सब आपने पढ़े हुए हैं। तो अब इससे इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स सेम आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, 1 NC1 NC2, ये 0 हो गया, यहाँ NC0 बचेगा, यहाँ NC1 बचेगा, 0 1 N प्लस वन। अब बड़ा इजी हो गया इसको सॉल्व करना, 1 NC1 NC2 0, NC0 कितना हो जाएगा? 1 NC1 N हो जाएगा, 0 1 N प्लस वन। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं प्लस इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो वैसे 0 बन जाना है। 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इसका? इससे मल्टीप्लिकेशन, N प्लस वन माइनस N, ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट की मैं लेकर के आऊँगा।